सो बजाज पल्सर 125 जो है ये वैसे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मोटरसाइकिल है। इस वाले मोटरसाइकिल में आप लोगों को पावर मिलती है, इसमें आप लोगों को टॉर्क जो है वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है वो देखने के लिए मिलता है। लेकिन कोई भी मोटरसाइकिल होती है वो कितना ही अच्छी हो, उस वाले मोटरसाइकिल को ज़रूरत होती है बेसिकली एक अच्छे क्वालिटी के इंजन ऑयल की। अब ऑब्वियसली अब जो बजाज पल्सर 125 है ये बजाज की बाइक है, और अगर आप लोगों को इस वाले बाइकों को ओन अगर करते होगे तो आप लोग जो है वो अपने बजाज की बाइक में मतलब बजाज के इंजन ऑयल तो आप लोग कभी ना कभी आप लोग डाले होंगे, या फिर आप लोग में से बहुत सारे लोग जो है उसको डालते हुए आए होंगे। लेकिन जो बजाज का जो इंजन ऑयल होता है ना, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो बजाज का जो इंजन ऑयल है ये मतलब नई बाइकों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है वो परफॉर्म करता है ना। इसमें आप लोगों को माइलेज परफॉर्मेंस सब जो है वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिलता है। लेकिन मोटरसाइकिल जो है वो जैसे जैसे पुरानी होती जाती है वैसे वैसे बेसिकली बजाज का जो इंजन ऑयल है वो उतना ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म नहीं करता है, उसमें जो है वो उसकी परफॉर्मेंस बाइक की बेसिकली जो है वो कम हो जाती है। इसी के साथ ही साथ आप लोगों की बाइक जो है ना वो मतलब कहीं ना कहीं माइलेज भी उस वाले बाइक का जो है वो कम देने लगती है, अगर आप लोग अगर बजाज का इंजन ऑयल लगा मतलब ज़्यादा समय के लिए अगर यूज़ करते हो तो। सो अगर आप लोगों को अगर अपनी बजाज पल्सर 125 जो है उसको लंबे समय के लिए चलाना है, अगर आप लोग अगर ये चाहते हो कि आप लोगों की बजाज पल्सर 125 जो है वो मतलब आप लोगों को ज़्यादा बेटर माइलेज देती रहे, ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देती रहे, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो कम ना हो, लंबे समय तक आप लोगों की बाइक जो है वो चले, तो उसके लिए आप लोगों को जो है वो बजाज का इंजन ऑयल छोड़ना पड़ेगा अपने बाइक में। आप लोगों को जो है वो बजाज का इंजन ऑयल यूज़ नहीं करना होगा, है ना, क्योंकि मतलब वो जो है वो उतना ज़्यादा मतलब बेसिक टाइप का इंजन ऑयल होता है यार, है ना, जेनरिक टाइप का इंजन ऑयल होता है, उतना ज़्यादा बढ़िया जो है वो परफॉर्म नहीं करता है लॉन्ग रन के लिए। सो अभी जो है वो क्वेश्चन ये आता है कि आप लोगों को अपने बाइक में कौन सा इंजन ऑयल आप लोगों को डालना चाहिए जिससे कि मतलब आप लोगों की बाइक जो है वो आप लोगों को ज़्यादा बढ़िया माइलेज दे, ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस दे, और लंबे समय तक के लिए आप लोगों की बाइक जो है वो चले, है ना, लंबे समय तक मतलब आप लोगों की बाइक का जो परफॉर्मेंस गेन है वो मतलब आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है वो देखने के लिए मिले। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो इसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, है ना, कि आप लोगों को अपने बजाज पल्सर 125 में कौन सा इंजन ऑयल डालना चाहिए, कौन कौन सा इंजन ऑयल है जो कि मतलब आप लोगों के बजाज पल्सर 125 के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करेगा, कौन सा इंजन ऑयल जो है वो मतलब बेकार परफॉर्म करेगा, है ना, विच इंजन ऑयल इज़ एक्चुअली द गुड इंजन ऑयल फॉर बजाज पल्सर 125। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो इसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, और मैं आप लोगों को मैं अपना रिकमेंडेशन भी बताऊंगा कि आप लोगों को कौन सा इंजन ऑयल डालना चाहिए। मैं मतलब पर्सनली अपने बाइक में या फिर बजाज V15 में, है ना, और बजाज पल्सर 125 में जो कि मतलब मेरे भैया की बाइक है, इन दोनों ही बाइक में मैं कौन सा इंजन ऑयल जो है वो यूज़ करता हूँ जिससे कि मतलब मुझे ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है। सो चलो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अगर आप लोगों इंजन ऑयल की बात कर रहे हैं कि कौन से इंजन ऑयल की कंपनी बेसिकली जो है वो ज़्यादा बढ़िया इंजन ऑयल मतलब बनाती है ना, ज़्यादा प्रीमियम इंजन ऑयल बनाती है, तो देखो भाई मैंने आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने मोटरसाइकिल्स में मैंने बहुत टाइप के मैंने इंजन ऑयल जो है मैंने यूज़ किए हैं, मैंने हर कंपनी का लगभग किया है, मोतुल, कैस्ट्रोल, मोबिल, बहुत सारे मैंने बेसिकली इंजन ऑयल जो है वो अपने बाइक में यूज़ किया, एंड ऑब्वियसली बजाज का इंजन ऑयल, है ना, जो कि मतलब जेनरिक टाइप का इंजन ऑयल होता है ना। देखो भाई मेरे लिए जो सबसे बेस्ट इंजन ऑयल जो सूट किया है ना वो किया है मोतुल का इंजन ऑयल। अगर आप लोगों का मेरे इस वाले बाइक की बात करो, अरे कहाँ आ रहे हो यार, अगर आप लोग मेरे बाइक की बात करो बजाज V15 की, तो मैं इस वाले बाइक में जो है वो मैं मोतुल का इंजन ऑयल यूज़ करता हूँ, और अगर आप लोग बजाज पल्सर 125 की बात करो तो उसमें भी मतलब मैंने जो है वो मोतुल का ही इंजन ऑयल जो है वो मैंने यूज़ किया है। अरे साइड हो जाओ यार, मोतुल का इंजन ऑयल जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करता है बेसिकली किसी भी बाइक में। अगर आप लोग बजाज पल्सर 125 की बात करो तो जब उस वाली बाइक में जब बजाज का इंजन ऑयल जब पड़ा हुआ था तो वो वाली बाइक जो है वो माइलेज कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कम देती थी, है ना, वो लगभग वो 55-50 तक का माइलेज जो है वो दे देती थी, है ना, जो कि मतलब ठीक ठाक माइलेज है। लेकिन जैसे ही मैंने अपने बाइक में मैंने मोतुल का मैंने इंजन ऑयल डाला ना, तो मोतुल का इंजन ऑयल डालने के बाद बेसिकली उस वाले बाइक का जो माइलेज था वो कहीं ना कहीं 60 km/h तक जो है वो बहुत ही ज़्यादा आराम से पहुंच गया था, है ना, विदाउट एनी प्रॉब्लम पहुंच गया था, है ना। ये बजाज पल्सर 125 की बात है। अगर आप लोगों को मेरी इस वाली बाइक की बात करो बजाज V15 की, जो इस समय मैं चला रहा हूँ, ये वाली बाइक मतलब जब मैं इसमें जब बजाज का जब इंजन ऑयल जब डालता था तो ये वाली बाइक भी जो है ये कहीं ना कहीं 50 km/h का माइलेज जो है वो देती थी। लेकिन मोतुल का इंजन ऑयल डालने के बाद मतलब जो मैं अपने बाइक में काफ़ी समय से मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो वाला इंजन ऑयल डालने के बाद बेसिकली इस वाले बाइक का जो माइलेज है वो कहीं ना कहीं 60 km/h तक पहुंच गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया माइलेज है इस वाले बाइक के हिसाब से,
एंड टू बी प्रिसाइज 58-59 तक जो है वो बहुत ही ज्यादा आराम से पहुंच जाता है इस वाले बाइक में। तो अगर आप लोग अगर मेरे से अगर पूछोगे कि कौन से इंजन ऑयल की कंपनी बेसिकली बेस्ट इंजन ऑयल बनाती है, तो मैं कहूंगा भाई मोतुल की जो कंपनी है वो मतलब काफी ज्यादा बढ़िया इंजन ऑयल बनाती है, है ना। मतलब किसी भी बाइक में आप लोगों को जो है वो परफॉर्मेंस गेन, माइलेज वाइलेज ये सब कुछ जो है ये आप लोगों को काफी ज्यादा बढ़िया देखने के लिए मिलता है अगर आप लोग अपनी बाइक में अगर मोतुल का इंजन ऑयल अगर डालते हो तो, है ना। ये तो मतलब कंपनी की बात हो गई। मोतुल के भी इंजन ऑयल में बेसिकली बहुत टाइप के इंजन ऑयल आते हैं। कुछ इंजन ऑयल जो होते हैं वो अच्छे इंजन ऑयल होते हैं, कुछ इंजन ऑयल बहुत ही ज्यादा घटिया इंजन ऑयल होते हैं। मोतुल के पूरे लाइनअप में बेसिकली कौन सा इंजन ऑयल है जो कि मतलब आप लोगों को बजाज पल्सर 125 में यूज करना चाहिए, है ना, या फिर मतलब ओवरऑल किसी भी बाइक में आप लोगों जो है वो कौन सा इंजन ऑयल आप लोगों को यूज करना चाहिए, कौन सा इंजन ऑयल से मतलब आप लोगों को ज्यादा बेटर माइलेज, ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस जो है आप लोगों को देखने के लिए मिलती है, है ना। अभी हम लोग अभी उस पे चलते हैं, है ना। सो मोतुल में किसी भी नॉर्मल मोटरसाइकिल के लिए बेसिकली तीन कैटेगरी के जो है वो इंजन ऑयल आते हैं। एक इंजन ऑयल होता है मोतुल का 3100 जो कि एकदम मतलब बेसिक इंजन ऑयल है, है ना। मतलब ये एक सीरीज आती है ना, जो कि मतलब एक बेसिक इंजन ऑयल की सीरीज है। जैसे एकदम बजट कैटेगरी वाले इंजन ऑयल जो होते हैं ना उसमें बेसिकली मोतुल 3100 इंजन ऑयल की जो है वो गिनती होती है, है ना। इसके बाद आता है बेसिकली मोतुल का 5100 और उसके बाद आता है मोतुल का 7100, है ना। ये तीनों इंजन ऑयल जो है ये मतलब नॉर्मल कम्यूटिंग पर्पस या फिर नॉर्मल बाइक के लिए बनाए जाते हैं, है ना। और तीनों का जो काम है वो अपना अलग अलग होता है ना। कोई इंजन ऑयल जो होता है वो अलग पर्पस के लिए होता है, कोई इंजन ऑयल जो होता है वो अलग पर्पस के लिए होता है। सो इन तीनों इंजन ऑयल में से बेसिकली आप लोगों को कौन से इंजन ऑयल जो है वो आप लोग यूज करना चाहिए अपने बाइक में, अपने बजाज पल्सर 125 में, या फिर अगर आप लोगों के पास अगर ये वाली बाइक है तो ये वाले, है ना, तो इस वाले बाइक में आप लोगों को कौन से इंजन ऑयल जो है वो आप लोग यूज करना चाहिए। देखो भाई, जो मोतुल का जो 3100 इंजन ऑयल है ना, मैं आप लोगों को मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ भाई, ये वाले इंजन ऑयल आप लोग यूज मत करना अपने बाइक में, है ना। क्योंकि ये वाले जो इंजन ऑयल है काइंड ऑफ जेनरिक टाइप का इंजन ऑयल है, उतना ज्यादा बढ़िया जो है ये परफॉर्म नहीं करता है, है ना। मतलब इस वाले बाइक में आप लोगों को जो है वो उतना ज्यादा बढ़िया मतलब माइलेज तो आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन माइलेज के लिए बेसिकली ये वाले इंजन ऑयल जो है ये परफॉर्मेंस को बहुत ही ज्यादा कम कर देता है, है ना। जिससे कि आप लोगों ये बाइक जो है वो आप लोगों को परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं देती, बहुत ही ज्यादा बेकार परफॉर्मेंस देती है, है ना। तो ये वाले जो इंजन ऑयल है ये मतलब मैं आप लोगों को बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि ये वाले इंजन ऑयल जो है वो आप लोग अपने बाइक में डालो, है ना, या फिर मतलब किसी भी बाइक में डालो, किसी भी यूज के लिए डालो। अगर बजट अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइट है, अगर आप लोग सस्ते में अगर सिर्फ काम चलाना चाहते हो बस, तभी आप लोग जो है वो इसका इस्तेमाल करो, ऐसे मैं मतलब रिकमेंड नहीं करूंगा। जो बाकी जो दो इंजन ऑयल है ना, मोतुल का 5100 और मोतुल का 7100, यहाँ पर जो है वो आप लोगों को परफॉर्मेंस और माइलेज जो है वो आप लोगों को तगड़ा देखने के लिए मिलता है। मोतुल का जो 7100 है ये एक्चुअली में मतलब एकदम प्रीमियम इंजन ऑयल है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करता है, फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल है, है ना, जो कि मतलब आप लोगों के बाइक के इंजन को इतना ज्यादा स्मूथ कर देता है कि आप लोगों की बाइक जो है वो उसका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बढ़ जाता है, है ना। डेफिनेटली आप लोगों की बाइक जो है वो मतलब अगर स्मूथ चलेगी, उसमें फ्रिक्शन अगर कम होगा, तब आप लोगों की बाइक में से आप लोगों को माइलेज और परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने के लिए मिलेगा। सो मोतुल का 7100 इज एक्चुअली द इंजन ऑयल विच आई यूज पर्सनली इन दिस मोटरसाइकिल, है ना, बजाज V15 में। हालांकि बजाज पल्सर 125 के लिए वो बना नहीं है, क्योंकि 125 cc मतलब ज़्यादा ही लोअर हो जाता है ना। मिनिमम से मिनिमम आप लोग जो है वो 150 cc की अगर आप लोगों की बाइक है ना, तो उसमें आप लोग जो है वो मोतुल का 7100 जो है वो आप लोग यूज़ करो, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करता है, एकदम बाइक के इंजन को एकदम स्मूथ कर देता है, मक्खन स्मूथ कर देता है यार ये वाला इंजन ऑयल, है ना, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करता है। इसी वजह से मतलब मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप लोगों के पास अगर 150 cc की अगर मोटरसाइकिल है ना, है ना, तब आप लोग अपने बाइक में जो है वो मोतुल का 7100 यूज़ करो यार। आप लोगों को जो पता चलेगा ना परफॉर्मेंस में डिफरेंस, वो भाई आप लोगों को धुआंधार आप लोगों को पता चलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है बजाज के जेनरिक टाइप के इंजन ऑयल में और मतलब आप लोगों के मोतुल के 7100 फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल में, है ना, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। बाइक जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों में ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो है वो अपने बाइक में मोतुल का इंजन ऑयल 7100 जो है वो आप लोग एक बार यूज़ करके देखो भाई। अगर आप लोग यूज़ कर लोगे ना इस वाले इंजन ऑयल को, आप लोगों का मन नहीं करेगा कि आप लोग किसी और इंजन ऑयल की तरफ जो है वो आप लोग जाओ, है ना, या फिर मतलब कोई और इंजन ऑयल जो है वो आप लोग उसकी तरफ देखो भी, है ना, आप लोग देखने तक का मन नहीं करेगा, इतना ज्यादा बढ़िया जो है वो परफॉर्म करता है ये वाला इंजन ऑयल, है ना। अब हालांकि अब इसका जो मतलब मेन फैक्टर होता है वो फैक्टर ये भी होता है कि भाई
महंगा भी आता है ये वाला इंजन ऑयल, है ना, जो कि मतलब शायद इस वाले इंजन ऑयल का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ना, कि मतलब थोड़ा सा महंगा आता है बाकी नॉर्मल टिपिकल इंजन ऑयल से, लेकिन जो परफॉर्मेंस जो गेन मिलती है वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिलती है, है ना। लेकिन अगर आप लोगों को बजट में हो, है ना, आप लोगों को उतना ज़्यादा पैसा का खर्च नहीं करना है, तो इसी का ही जो है वो आप लोग छोटा भाई आप लोग ले सकते हो, मोतुल का 5100। ये एक्चुअल में एक सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल है, हालांकि है तो सेमी सिंथेटिक, है ना, फुल्ली सिंथेटिक नहीं है, लेकिन ये भी मतलब परफॉर्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया करता है ना किसी भी जेनरिक इंजन ऑयल से, जैसे कि बजाज का इंजन ऑयल या फिर मोतुल का खुद का 3100 इंजन ऑयल, है ना, उससे तो भाई ये वाला इंजन ऑयल जो है 10 गुना ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करता है। परफॉर्मेंस आप लोगों की बाइक में से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा तगड़ी देखने के लिए मिलती है उसके वजह से, है ना। मैंने अपने पर्सनली बाइक में मतलब उसको यूज़ किया था, मैंने एब्रो का मैंने ऑयल ट्रीटमेंट यूज़ किया था, जो मुझे भाई परफॉर्मेंस में गेन दिखा था वो मतलब यार अनबिलीवेबल था, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया जो है वो परफॉर्म कर रही थी ये वाली मोटरसाइकिल, है ना, मोतुल के 5100 डालने के बाद और मतलब ऑयल ट्रीटमेंट डालने के बाद, है ना। सो सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल होने के बावजूद भी मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करता है बाकी किसी और इंजन ऑयल के कंपैरिजन में, तो मतलब ये भी जो है वो आप लोग यूज़ कर सकते हो अगर आप लोगों का बजट में अगर हो तो, है ना। अगर आप लोगों को ज़्यादा पैसा का खर्च नहीं करना है, कम पैसा का खर्च करना है, तो आप लोग जो है वो डेफिनेटली इस वाले इंजन ऑयल को यूज़ कर सकते हो, मतलब चाहे आप लोग बजाज पल्सर 125 की बात करो चाहे इसकी बात करो, है ना, दोनों ही बाइक में मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करता है। मेरी रिकमेंडेशन पर्सनली मतलब मैं अपने बाइक में मैं मोतुल का 7100 में यूज़ करता हूँ, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करता है इस वाली मोटरसाइकिल में, तो मतलब मेरी रिकमेंडेशन तो है वो वही रहेगी यार, मतलब मैं किसी और इंजन ऑयल की तरह मैं जा भी नहीं सकता हूँ। सो चलो गाइस, आज की वाली वीडियो थी बेसिकली कौन सा इंजन ऑयल जो है वो आप लोगों को अपने बाइक में यूज़ करना चाहिए। आप लोगों को अपने बाइक में बजाज का इंजन ऑयल तो मतलब बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, वो मैं रिकमेंड करूँगा ही नहीं आप लोगों को, है ना। मोतुल का इंजन ऑयल मतलब मेरे लिए ज़्यादा बेटर सूट करता है, तो मोतुल में से भी मतलब कौन सा इंजन ऑयल जो है वो ज़्यादा बेटर होता है ना, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया। चलो गाइस, अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, और अगर कोई भी सुझाव हो, कोई भी कमेंट हो, कुछ भी अगर लिखने का मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है उस पर जाके लिख देना। चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अब कल। चलो गाइस, बाय बाय। भाई साहब, आज तो यार गाड़ी तक लगाने की यहाँ पर जगह नहीं है।